शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। देखा आपने, अब तो कैसे सबके सामने जबान चलाने लगी। अरे बड़ों का सम्मान करना तो जैसे भूल ही गई है। आप ही बताइए, अरे अगर ये अकेली बैंगलोर चली गई और वहाँ इसके साथ कोई हादसा हो गया तो हम क्या जवाब देंगे अम्बर को? नियति एक पढ़ी लिखी लड़की है देवयानी, थ्रू आउट फर्स्ट क्लास फर्स्ट। ऐसी लड़कियां आज के जमाने में अंतरिक्ष पे जा रही हैं और तुम उसे बैंगलोर जाने से रोक रही हो, क्यों? पर मैं तो उसकी सुरक्षा की बात कर रही थी। बाऊजी माजी ठीक कह रही हैं, नियति पूरे दिनों से है। उसका अकेले कहीं पर भी जाना ठीक नहीं है। उसके साथ कोई ना कोई हर वक्त रहे वो ज्यादा सही है। नहीं भाभी, आप नियति की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। उसके साथ उसका भगवान है। आपने देखा नहीं, अंबर को खो देने के बाद भी किस तरह से उसने अंबर को दोबारा पा लिया। आई थिंक मॉम, ऋषि भैया और डैड की बात में पॉइंट तो है। नियति जी की जो हालत है, हमें ऐसे में उनके ऊपर किसी भी चीज़ के लिए प्रेशर नहीं डालना चाहिए। एक काम करते हैं, हम उनके लिए ट्रेन की जगह कल सुबह की फ्लाइट की टिकट बुक करा देते हैं। मैं अपने ऑफिस के ट्रैवल एजेंट को अभी फ़ोन करता हूँ। धन्य है आकाश, एक तरफ हमारी नियति है जो इसे दो कौड़ी का नहीं समझती और दूसरी तरफ ये बेचारा उसके लिए जान देने तक को तैयार है। यकीन नहीं होता कि ये वही वाली नियति है जो सबसे पहले अपने परिवार का सोचती थी। लेकिन अब ऐसे नाजुक मौके पे मेरे ख्याल से जो नियति कर रही है वो बिल्कुल सही कर रही है। आप ही सोचिए मां, वहां वो अंबर को ढूंढने जा रही है, आकाश को किस हैसियत से ले जाएगी? आप ही सोचिए। मां, मैं नियति के और ऋषि के फैसले से बिल्कुल सहमत हूं। अब तो सारे लोग मुझे समझाने लगे, हर कोई सलाह देने लगा है। कभी तो दूसरे की अकल की कदर किया करो दिव्यानी। इस घर में हम जानते हैं कि तुम सबका बहुत फिक्र करती हो, लेकिन कभी कभी बच्चों को भी अपना फैसला लेने दो, वरना तुम्हारे बाद वो कैसे सीखेंगे फैसला लेना। लेकिन अगर वहाँ पर अगर नियति किसी मुसीबत में ना फंसी, लेकिन अगर अंबर और नियति के बीच में कुछ हो जाए तब तुम क्या करोगी? हाँ, नहीं सिर्फ एक ही टिकट चाहिए। मिसेस नियति आकाश शास्त्री के नाम। पैसे मेरे अकाउंट में डाल देना और टिकट मेरी वाइफ जो है वो जाने से पहले आपके यहाँ से पिक कर लेगी। गुड नाइट। चलिए मैडम, टिकट हो गई तुम्हारी, कल सुबह की फ्लाइट है। हाँ, जब तुमने फैसला कर ही लिया है कि अकेले ही जाना है तो मैंने भी एक फैसला कर लिया कि चलो जाने दो। खुश हो? खुश तो होगी क्योंकि वजह तो जाहिर है। सोच रहा हूं कि फिर कभी मौका मिले ना कि ना जाने से पहले एक बार Thank you.
सिड, सिड, सिड कहाँ चला गया? तुम यहाँ अकेले क्यों आ गए? मुझसे क्यों नहीं कहा? तुम सो रही थी और क्या कहता? वही बात ना कि जब से मैं नागपुर से वापस आया हूँ मुझे बहुत बेचैनी सी होने लगी, ठीक से नींद भी नहीं आती। जब भी सोने की कोशिश करता हूँ उन लोगों की बातें मेरे कानों में सुनाई देती है। आई अंडरस्टैंड सर, मैं समझती हूँ, पर मुझे एक बात बताओ, हम आपके हैं कौन? मतलब ये सिर्फ कि तुम मुझे ये बताओ, तुम मुझे अपना क्या मानते हो? दोस्त, लवर, क्या हूं मैं तुम्हारे लिए? और नताशा, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि तुम मेरे लिए सब कुछ हो और मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। अगर मैं सचमुच तुम्हारे लिए सब कुछ हूं सिर, तो अपना ये सारा दर्द, सारी रेस्टलेसनेस और ये इंसोम्निया दे दो। हमारी नींद उड़ा के खुद चैन से सो रही है महारानियों की तरह। अभी इसकी नींद उड़ाता हूं। आकाश, कितनी बार कहा है मुझे ऐसे छुआ मत करो। अरे यार, तुझे छुए बगैर ना मुझसे रहा नहीं जाता। मैंने प्रॉपरली शादी की है तुझसे और धर्म और समाज के सामने हम दोनों पति पत्नी हैं। मैं रोज तेरी बात सुनता हूँ ना, आज आखिरी बार मेरी बात सुन ले। आज की रात मैं पति का अधिकार तो तुझे मुझे देना ही होगा। इसमें इतना हैरान होने की क्या बात है? मैं कौन सा रोज रोज उससे ये अधिकार मांग रहा हूँ? आकाश, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? दिमाग तो जब से तुम्हें देखा है तब से ही खराब हुआ है। देखो, अंबर को कुछ पता नहीं चलेगा, और अगर पता चल भी गया तो क्या फर्क पड़ता है? वो कौन सा तुम्हारे लिए पति परमेश्वर बन के वहां बैठा हुआ है? वो भी तो नताशा के साथ रोज रंगरलियां बना ही रहा होगा ना। तो क्या तुम एक रात के लिए मेरे साथ नहीं बना सकती? ऐसी क्यों देख रही हो जैसे मैं कोई नजायज बात कर रहा हूं? देखो, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। आगे मत आना, काट डालूंगी। मैं सच में मार दूंगी, मजाक नहीं कर रही हूं। मम्मी जी के सामने से कहा था ना, वो मजाक नहीं था, सच में मार दूंगी एक दिन तुमको। अंबर तो होश में नहीं है, पर मैं हूं, और जिस दिन मेरी अंबर की याददाश्त वापस आएगी वो खुद अपनी नियति के पास आएंगे। बहुत प्यार करते हैं वो मुझसे, पर तब
क्या जानो कि प्यार क्या होता है, वरना तुम मेरा ये सलूक नहीं करते। सही कहा था मैंने तुम्हारे लिए, इंसान नहीं हो शैतान हो तुम। पर एक बात तुम नहीं जानते आकाश, एक औरत अपनी और अपने बच्चे की रक्षा करने के लिए किसी भी शैतान से लड़ सकती है, फिर उसमें चाहे उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। मैं फर्स्ट और लास्ट टाइम तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ, मुझे छूने की भी कोशिश मत करना। साली कहीं निकल तो नहीं गई? अरे वाह, तू तो तैयार भी हो गई, मुझे क्यों नहीं उठाया तूने? ऐसी भी क्या बेताबी है? अच्छा सुन, मैं 5 मिनट में तैयार हो रहा हूं, तू यहीं रुक। यहीं रुक, क्या हुआ, डर गई? टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ बैंगलोर नहीं जा रहा हूँ, तुझे छोड़ने एयरपोर्ट जा रहा हूँ। पहले वो एजेंट से टिकट लेंगे, उसके बाद तुझे एयरपोर्ट छोड़ूंगा, वापस घर आ जाऊँ। कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एयरपोर्ट मैं ऋषि भैया के साथ जा रही हूँ। थैंक यू। जब चीटी की मौत आती है वो बहुत उड़ने लगती है, आजकल तू भी बहुत उड़ने लगी नियति। तुझे क्या लगता है, अगर तू आकाश को बैंगलोर नहीं लेकर जाएगी तो तू बच जाएगी? हाँ? बेचारी ये गई तो घर से जिंदा है, लेकिन वापस आएगी मरकर। हेलो, पहचान लिया? मैं ही बोल रहा हूं, पता ना क्या करना है। मैं चलूं मम्मी जी, आप फिक्र मत करना, मैं अंबर को वापस लेकर आऊंगी, वैसे ही जैसे अंबर इस घर में मुझे लेकर आए थे। तुम्हारे मकसद में तुम्हें कामयाबी दे, बताइए जरा पैसे रख लो। पैसे हैं मेरे पास पापा। अरे बेटा रख लो, पराए शहर में सहारा होता है, और अगर और पैसों की जरूरत पड़े तो फोन कर देना। मेरे लिए भगवान से प्रे कीजिएगा प्लीज। माँ, माँ मैं नियति को एयरपोर्ट छोड़ के आता हूँ, चले नियति।
छोटी। अपना वादा भूल सकती हो लेकिन मैं नहीं। मेरी अंबर को लेने जा रही हूं, जाओ। तुम्हारे लिए मेरा भी वही आशीर्वाद है जो इनका है। जाओ बेटा, अपने काम में सफल होना। अपना ध्यान रखना, आप भी जाओ। चले नियति, वरना फ्लाइट छूट जाएगी। चलो। बड़ी, आकाश कहाँ है? वो एक्चुअली अपने कमरे में है। माजी कह रहा था कि वो नियति को अकेले जाते देख नहीं सकता। वैशु मेरी जान, खुश हो जाओ। अरे नहीं नहीं, इस बार तुम्हारी नियति से बदला लेने का फुल प्रूफ प्लान बनाया है। वो कहते हैं ना, एक ही झटका और काम तमाम। बस वैसा ही एक प्लान बनाया है। नियति को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि एक ही झटके में उसका हिसाब बराबर। आकाश बेटा, डैड, मैं आपको बाद में बात करता हूं। आइए ना, बैठिए ना। बेटा पहले ये बताओ कि तुम फोन पे किसका हिसाब किताब बराबर कर रहे हो? डैड, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उस बंदे का पता लगा लूं जिसने समीर और ऋषि भैया के अकाउंट में हेरा फेरी की है। एक बार वो बंदा मिल जाने में उसका हिसाब बराबर कर दूंगा। इतना मारूंगा उस कमीने को कि उसकी नानी याद आ जाएगी उसे। लेकिन डैड, मैं नियति जी के कुछ काम नहीं आ पाया। बेटा तुम नियति की बातों का बुरा मत बनाओ, उसको दिल से मत लगाओ। बेटा भगवान ने उसकी झोली में उसकी बर्दाश्त से ज्यादा दुख दे दिए हैं, इसलिए उसकी समझ में नहीं आ रहा कि क्या गलत है और क्या ठीक है। आई नो डैड, लेकिन डैड मैं भी तो इंसान हूँ, मुझे भी दुख होता है। अब नियति जी अगर मेरे होते हुए बैंगलोर अकेले जाएगी, क्या मैं एक पति का फर्ज नहीं निभा सकता उनके लिए? मुझे खुशी होती अगर उन्होंने मुझे एक पति का फर्ज निभाने लायक समझा होता, लेकिन शायद मैं इस लायक हुई नहीं। ऐसा मत कहो बेटा। देखो बेटा, अगर तुम ही उम्मीद हार जाओगे तो कैसे चलेगा? संभालो बेटा, संभालो। आज गए, आज तो हेलो। हाँ, वो मैंने फोन काट दिया था, बुड्ढा आ गया था। से मिलना है आपको? मुझे अंबर से मिलना है, बुला देंगे उन्हें? जी अंबर। शंभू काका, कौन है? पता नहीं कौन है।